कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियां और 8 पटरानियां थीं। इन सबसे अलग राधा श्री कृष्ण की प्रेसी थीं। कान्हा चाहकर भी राधा से विवाह नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तिगत जीवन को देखने पर पता चलता है कि उन्होंने हमेशा ही महिलाओं की इच्छा का सम्मान किया है। देवी रुक्मणी और मित्रविंदा से इनका विवाह इस बात का बड़ा उदाहरण है। इनकी इच्छा का सम्मान करते हुए कान्हा ने स्वयंवर से इनका हरण किया था। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके 8 पटरानियों के बारे में। भगवान कृष्ण की पहली पत्नी थी देवी रुक्मणी। पुराणों में इन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। रुक्मणी जी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थीं। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन उनके भाई रुक्मी इस विवाह के खिलाफ थे, इसलिए उन्हें भागकर शादी करनी पड़ी। भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह जामवंती से हुआ। जामवंती जामवंत जी की पुत्री थीं। भगवान कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लगा था। इस आरोप को झूठा साबित करने के लिए उन्होंने खुद ही मणि की तलाश शुरू की तो पता चला कि यह पूर्वजन्म के भक्त जामवंत के पास है। जामवंत जी कान्हा को पहचान नहीं पाए, इसलिए श्री कृष्ण से युद्ध किया। फिर जामवंत जी को श्री कृष्ण में भगवान राम दिखाई दिए, इसलिए उन्होंने मणि उन्हें दे दी और अपनी बेटी जामवंती संग उनका विवाह करा दिया। भगवान कृष्ण की तीसरी पत्नी सत्यभामा थीं। सत्यभामा सत्राजित की पुत्री थीं। जिस मणि को चोरी करने का आरोप कृष्ण जी पर लगा था, वह इन्हीं की थी। कृष्ण जी ने उनकी मणि वापस कर दी, जिससे सत्राजित लज्जित हुए और आरोपों के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने ग्लानि मिटाने के लिए सत्यभामा का विवाह कृष्ण जी से करवा दिया और मणि भी दे दी। भगवान कृष्ण की चौथी पत्नी कालिंदी थीं, जो सूर्य देव की पुत्री थीं। इन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप किया और भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी करते हुए इनसे विवाह कर लिया। कालिंदी खांडव नामक जंगल में रहती थीं। यहीं पर पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ बना था। भगवान कृष्ण की पांचवी पत्नी सत्या थीं। इनका नाम नग्नजिति भी था। नग्नजिति राजा नग्नजित की पुत्री थीं। राजा ने अपनी बेटी की इच्छा के अनुसार ऐसा स्वयंवर रखा जो केवल श्री कृष्ण जीत सकते थे। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी 7 पागल सांडों को एक ही अखाड़े में नाथेगा वही सत्या का पति होगा। कृष्ण जी ने शर्त पूरी कर स्वयंवर जीता और सत्या से विवाह किया। कृष्ण की छठवीं पत्नी मित्रवृंदा थी। कहा जाता है कि मित्रवृंदा उज्जैन के राजा बिंद और अनुबिंद की बहन थीं। मित्रवृंदा श्री कृष्ण को अपना पति चुनना चाहती थीं, लेकिन बिंद और अनुबिंद ने अपनी बहन को ऐसा नहीं करने दिया, जिसे बाद कृष्ण बलपूर्वक मित्रवृंदा को स्वयंवर से उठाकर ले गए थे। भगवान कृष्ण की सातवीं पत्नी रोहिणी थीं। पौराणिक कथाओं में इनका कई बार नाम भद्रा और कैकी भी पाया गया है। रोहिणी ऋतुसुकृत की पुत्री थीं। रोहिणी ने स्वयं ही स्वयंवर के दौरान श्री कृष्ण को अपना पति चुना था। भगवान कृष्ण की आठवीं पत्नी लक्ष्मणा थीं। वह कैकेय देश की राजकुमारी थीं। इन्होंने स्वयं अपने स्वयंवर के दौरान भगवान श्री कृष्ण के गले में वरमाला पहनाकर उन्हें अपना पति चुना था। इसके अलावा भगवान कृष्ण की 16,100 रानियां और 8 पटरानियां थीं। पौराणिक कथा के अनुसार 16,100 राजकन्याएं नरकासुर की जेल में बंद थीं। जब श्री कृष्ण ने इन्हें मुक्त कराया तो समाज में कोई भी इन्हें अपनाने को तैयार नहीं था। ऐसे में कृष्ण जी ने इन सभी को समाज में सम्मान दिलाने के लिए अपनी रानी बना लिया।